हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोपॉइस क्लासेस। मैं हूं सुरभि और इस चैनल पे आपको मिलता है एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक्स कंटेंट, लेकिन साथ साथ आपको मिलती है केस स्टडीज एंड सक्सेस स्टोरीज एवरी सैटरडे। विद दिस आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि पिछले कुछ सैटरडेज से आपको आपकी फेवरेट वीडियोज देखने को नहीं मिली हैं, सो आई मेक श्योर कि आगे से ये कंसिस्टेंसी बनी रहे और आपको वीडियोस के लिए ज़्यादा वेट ना करना पड़े। विद दिस हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जो कि आपको टाइटल से देख के समझ आ गया होगा और हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपकी फेवरेट भी हो, विच इज़ अबाउट कैडबरी डेयरी मिल्क। लेकिन कैडबरी डेयरी मिल्क की शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे बनी, इंडिया में कब आई, कैसे, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, ये सारी स्टोरी के लिए हमें जाना होगा 1824 ईयर में। यस, इतना पीछे जाना पड़ेगा। और इसकी स्टोरी बहुत ही यूनिक है। कैडबरी डेयरी मिल्क नहीं आई थी सीधा आपके पास, बहुत ही एक लंबा प्रोसेस रहा था। आज हम उस प्रोसेस को जानेंगे। सो कहानी शुरू होती है जॉन कैडबरी से, जो कि नॉर्मली एक ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम हिज कॉलेज वर्क। लेकिन 1824 में ये एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप खोलते हैं, जहाँ पे ये एक्सक्लूसिवली 3 तरह की ड्रिंक्स रखते हैं, विच आर टी, कॉफ़ी एंड चॉकलेट ड्रिंक। लेकिन ये बस ये बेच रहे होते हैं, बट साथ साथ ये बहुत स्मार्ट होते हैं। ये अपना असेसमेंट चालू रखते हैं, जहाँ पे ये मेक श्योर करते हैं कि ये फिगर आउट करें कि इनकी कौन सी ड्रिंक बेस्ट सेलिंग ड्रिंक बन रही है। और धीरे धीरे ये ऑब्जर्वेशन करते करते ईयर 1831 में आते आते ही फिगर्स आउट कि इनकी चॉकलेट ड्रिंक सबसे ज़्यादा हिट है, जो कि इनिशियली बेची जाती थी ऑल्सो एज अ हेल्थ ड्रिंक। अब इनका सारा फोकस आ जाता है चॉकलेट ड्रिंक पे, क्योंकि इन्हें पता है कि ये इनकी बेस्ट सेलिंग ड्रिंक है। इसी के साथ ईयर 1841 में फाइनली ये अपनी एक फैक्ट्री के साथ आते हैं, जहाँ पे ये एक्सक्लूसिवली चॉकलेट ड्रिंक ही बेचते हैं, जहाँ पे भी ये 11 वेरिएंट्स बेचते हैं कोको ड्रिंक के, विद 16 वेरिएंट्स ऑफ हॉट चॉकलेट, क्योंकि ये इनकी बेस्ट सेलिंग ड्रिंक बन चुकी होती है। ईयर 1847 आते आते इनके ब्रदर बेंजामिन भी इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, और ये लोग धीरे 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 अपनी ड्रिंक को बहुत अच्छी पॉपुलैरिटीज दिला रहे होते हैं। इसी के साथ इनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी होती है कि ईयर 1854 में क्वीन विक्टोरिया इन्हें देती हैं रॉयल वारंट। यस, कैडबरी को मिलता है रॉयल वारंट, क्योंकि कैडबरी हमेशा से ही अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए जाना जाता है, और रॉयल वारंट जब मिल जाता है किसी भी ब्रांड को, उसका मतलब ये कहलाता है कि अब आपके ये जो प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर सच गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स कि दीज ऑल्सो कैन बी यूज बाय राजास एंड महाराजास। सो विद दिस कैडबरी और ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा होता है। ईयर 1860 आते आते लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण दोनों भाइयों में थोड़ा रिफ्ट होता है, और दोनों भाई यानी जॉन कैडबरी एंड बेंजामिन सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि जॉन कैडबरी भी एज कर रहे होते हैं, इस वजह से वो अपनी कंपनी की जो भी कमान होती है या जो भी ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो दे देते हैं अपने दो बेटों को, रिचर्ड एंड जॉर्ज को। अब रिचर्ड और जॉर्ज चला रहे होते हैं ये पूरी की पूरी कंपनी, और वो नए नए आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी के साथ धीरे धीरे आ रहे होते हैं। और वो लोग डिसाइड करते हैं ईयर 1870 आते आते कि क्यों ना कैडबरी को अब एक्सपैंड किया जाए ऑल्सो इन अदर कंट्रीज। सो यानी अब जो कैडबरी है वो एक ग्लोबल ब्रांड बन रहा होता है धीरे धीरे। इसी के साथ एक प्रॉब्लम आती है ईयर 1889 में, जब जॉन कैडबरी की डेथ हो जाती है। इसी के साथ अगले 10 साल में उनके एक बेटे रिचर्ड की भी डेथ हो जाती है। सो अब सारा कुछ संभाल रहे होते हैं उनके दूसरे बेटे जॉर्ज। जॉर्ज पूरी कोशिश में होते हैं कि क्यों ना कैडबरी एक अलग ही प्रोडक्ट के साथ आए, जो बहुत यूनिक हो, जो बहुत टेस्टी हो। वो अपने हिट एंड ट्रायल्स कर रहे होते हैं, वो धीरे 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 एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। स्पेशली ईयर 1897 से उनके एक्सपेरिमेंट्स चालू होते हैं, जब वो कोको पाउडर को, शुगर को, मिल्क को, सबको मिक्स करके ड्राई फॉर्म में या सेमी ड्राई फॉर्म में अलग अलग हिट एंड ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स उनके पूरी तरह ऑन होते हैं, जब फाइनली ईयर 1905 में हमारे पास आती है हमारी प्यारी कैडबरी डेयरी मिल्क। यस, कैडबरी डेयरी मिल्क की शुरुआत होती है, या कैडबरी डेयरी मिल्क का बर्थ हुआ था ईयर 1905 में। यस, सो अब हमारे पास कैडबरी डेयरी मिल्क आ गई होती है। कैडबरी डेयरी मिल्क बहुत ही पॉपुलर हो रही होती है, इसको सेल किया जाता है एज अ स्वीट, यानी मीठे के लिए, स्वीट टूथ के लिए, और लोग इसे बहुत ही पसंद कर रहे होते हैं। अब ये बात रही ग्लोबल फैक्टर की कि ये सब कहाँ हो रहा था, ये सब बेसिकली जॉन कैडबरी ने इनिशियली स्टार्ट किया था बर्मिंगम से, यानी इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन हम अगर जानना चाहें कि इंडिया में कैडबरी कब आती है, तो इंडिया में कैडबरी आती है इंडिपेंडेंस के एक साल बाद, यानी ईयर 1948 में कैडबरी डेयरी मिल्क स्टेप करती है इंडिया में। अब यहाँ पे इंडिया में कैडबरी डेयरी मिल्क आ तो गई,
लेकिन अभी भी लोग इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे चॉकलेट के कॉन्सेप्ट से, एंड गिवन कि इंडियंस ऑलरेडी बहुत पुअर हाल में रह चुके थे ब्रिटिश रूल में, जब उन्हें बहुत कम चीज़ें मिलती थी, सो अभी भी वो इतना फेमिलियर नहीं थे इन चीज़ों से. लेकिन कैडबरी गेन करता है मोमेंटम इन द ईयर 1994. यस, 1994 में जो असली स्वाद जिंदगी का एक जिंगल आता है उसके साथ, उस एडवर्टीजमेंट के साथ, कैडबरी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगता है. अब इंडिया में लोगों को चॉकलेट का वो टेस्ट लग रहा होता है, और चॉकलेट की बात अगर होती है तो हर किसी के दिल और दिमाग में सिर्फ कैडबरी का नाम ही आता है. यहीं पे एक प्रॉब्लम आती है ईयर 2000 में, यानी अर्ली 2000s में, जब एक कंट्रोवर्सी कैडबरी को हिट करती है जो कि होती है वॉर्म्स फाउंड इन कैडबरी चॉकलेट्स. यस, ये इस वजह से कैडबरी का नाम, कैडबरी की जो डिग्निटी है या कैडबरी का ओवरऑल ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिस वजह से कैडबरी की सेल्स में 30% डिप भी आता है. लेकिन कैडबरी बीइंग कैडबरी, वो अपने यूनिक सेल्स, यूनिक क्रिएटिविटी एंड आइडियाज़ के साथ आती है, जिस वजह से फाइनली वो वापस से आती है अपने फुल मोमेंटम में, एंड उसकी सेल्स वापस से नॉर्मल पे आ जाती है. यहाँ पे कैडबरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही होती है, तभी अर्ली 2000s में अमिताभ बच्चन को हायर किया जाता है एज सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैडबरी, जहाँ पे वो एक जिंगल के साथ आते हैं, यानी कुछ मीठा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी. और ये कुछ मीठा हो जाए हर ओकेजन पे इतना पॉपुलर बन जाता है कि लोगों को कैडबरी की बहुत ज़्यादा आदत लग जाती है. वहीं पे कैडबरी ब्रांड धीरे धीरे अपने आप को इंडियन सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, और हर फेस्टिवल के लिए, हर ओकेजन के लिए वो कैडबरी सेलिब्रेशन का एक नया बॉक्स लेकर आता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा हिट रहता है उसका रक्षाबंधन बॉक्स. आज की डेट में आपको उसके दिवाली सेलिब्रेशन बॉक्सेज एंड डिफरेंट डिफरेंट कैडबरी सेलिब्रेशन बॉक्सेज देखने को मिलेंगे, एंड द मोस्ट कॉमन वंस जो आपको दिवाली पे एक दूसरे को ग्रीट करते हुए दिखेंगे विद कैडबरी बॉक्सेज. तो इसीलिए आप कैडबरी को तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पहचानते होंगे और जानते भी होंगे. कैडबरी की पॉपुलैरिटी का एक और रीज़न ये भी रहता है कि उसके कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी बहुत कम प्राइसेस में प्रोवाइड कर रहा होता है. एज लो एज यू फाइंड अ कैडबरी चॉकलेट फॉर ₹5, दैट मीन्स उसके कंपेटिटर उतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते. आज की डेट में उसके मेजर कंपेटिटर्स नेस्ले एंड गैलेक्सी हैं, लेकिन फिर भी कैडबरी बहुत ज़्यादा हिट है इंडियन मार्केट में. एक फन फैक्ट बताती हूँ. फन फैक्ट में आप जानते हैं कैडबरी की चॉकलेट पे जो रैपर होता है वो पर्पल कलर का है, एंड इन इनिशियल डेज ये राइट सिर्फ कैडबरी चॉकलेट के पास था पर्पल कलर यूज़ करने का, लेकिन नेस्ले ने कोर्ट में अपील किया एंड केस विन किया, जिस वजह से अब ये पर्पल कलर कोई भी ब्रांड, कोई भी चॉकलेट कंपनी यूज कर सकती है अपनी चॉकलेट के लिए. ये बस एक फन फैक्ट था. इससे कैडबरी ने हमारे दिलों पे रूल करना नहीं छोड़ा, इतना ज्यादा रूल कर रहे हैं कि आज भी इंडियन मार्केट में या इंडियन चॉकलेट मार्केट में स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो 70% शेयर कैप्चर किया हुआ है कैडबरी ने, एंड कैडबरी स्टिल रूलिंग आवर हार्ट्स, कमिंग अप विद न्यू एडवर्टीजमेंट्स, न्यू प्रोपोजिशंस, न्यू जिंगल्स एंड वॉट नॉट, लाइक ऑन एवरी ओकेशन, बीट वैलेंटाइंस डे वेन यू फाइंड लव इन एयर, एंड वेन यू यू नो फेस्टिवल्स, रक्षाबंधन, दिवाली, एंड दे कम अप विद डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ चॉकलेट्स, बी इट कैडबरी डेरी मिल्क सिल्क, और न्यू न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू न्यू चीज़ों के साथ कैडबरी आता रहता है हमारे दिलों पर रूल करने के लिए. एंड उम्मीद करती हूँ आपको भी कैडबरी चॉकलेट बहुत पसंद होगी, और शायद हो सकता है आज की वीडियो देखने के बाद आपका मन भी किया हो कि क्यों ना आज कैडबरी हो जाए, यानी कुछ मीठा हो जाए. इसी मीठी मीठी वीडियो के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको शेयर करना नहीं भूलेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे मीठे मीठे में, मीठा मीठा होके, अपना मुंह मीठा करके आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वायरल करेंगे, पॉपुलर करेंगे. अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय.